हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। सो इस वीडियो पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन भी है, और वो कंडीशन है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्लेस्ड है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो जो वर्क डन होगा वो ही इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। सो अगर सपोज कीजिए इस तरह से कोई बार मैग्नेट हो, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है हम लोगों की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे पास कर रही है। ऐसा करते हैं, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है लास्ट वाली, वो इस मैग्नेट से ही क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। सो क्या हुआ, ये है हम लोगों का मैग्नेट, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस पर क्या होगा, ये जो बार मैग्नेट है ये इस तरह से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा, ठीक है। तो जब सपोज कीजिए स्टार्टिंग में ये इस पोजिशन पर है, तो और फिर इसने इतना रोटेट किया अपने आप को, ठीक है, तो कितना वो वर्क हुआ वो ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव small amount of work done to move magnet from a magnet through small angle d theta, ठीक है। so बिल्कुल basic सी calculation कर रहे हैं हम लोग, ये d theta angle से move किया बिल्कुल थोड़ा सा। So, जो वो वर्क होगा, दैट वर्क इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी ऑल नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस पर क्या हुआ, इस तरह से प्लेस था और ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, ऐसे प्लेस था और फिर ये ऐसे रोटेट हुआ। सो जो वर्क होगा दैट विल बी विच टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स that is responsible to rotate it, और उस force को क्या बोलेंगे, torque, okay, so force will be torque ली जाएगी, torque, और displacement, कितनी displacement through angle d theta, so torque हम लोगों ने previous article पर calculate की थी, that is mb sin theta d theta, where m is magnetic dipole moment, और magnetic dipole moment क्या है, magnetic dipole moment m this side, okay, from south to north, direction of magnetic dipole moment की direction याद रखिएगा, south pole से north pole की तरफ होती है, तो ये है, ठीक है। तो for complete work क्या करना होगा, for complete work देखिए, ये जो equation बनी, ये बनी सिर्फ अगर ये dipole बिल्कुल थोड़े से एंगल थीटा, डी थीटा एंगल, बिल्कुल स्मॉल एंगल से रोटेट करें। लेकिन सपोज करें ये थीटा वन से लेकर थीटा टू तक जो इनिशियल पोजीशन है मान लीजिए, और इससे लेकर इस पॉइंट तक जाए, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी को बोला गया है कंप्लीट वर्क। और उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इसको इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट किया एम बी साइन थीटा डी थीटा फॉर कंप्लीट वर्क, दैट इज थीटा वन टू थीटा टू, ओके, रोटेशन जो है थीटा वन से थीटा टू तक हो। थीटा वन क्या है, इनिशियली एंगल है थीटा वन,
और फिर थीटा टू क्या है, जब टॉर्क एक्सपीरियंस करके वो फाइनल पोजीशन पर आया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो है थीटा टू। सो आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करें तो बेसिक आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस माइनस कॉस थीटा। ये बेसिक इंटीग्रेशन जरूर माइंड पर रखना कि थीटा जो है साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा। देन आप लोग वैल्यूज पुट करें इस पर, तो ये बन गया माइनस, आउट ले लें माइनस MB, माइनस ये मैंने आउट ले लिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, और अपर लिमिट पुट करें दैट इज कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। ओके, व्हाट इज थीटा वन? मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि थीटा वन और थीटा टू क्या है। ये दो बातें आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या है थीटा वन और क्या है थीटा टू। देखिए, थीटा वन स्टार्टिंग का एंगल है। अगर इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको देखना होगा तो क्या है, आप लोग देखिए कि अगर सपोज करें ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और स्टार्टिंग में ये इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है, रफ सा डायग्राम है बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉर्थ और साउथ। तो एम और इसका एंगल मान ले स्टार्टिंग में लिया जाएगा थीटा वन, और फिर जैसे ही टॉर्क एक्ट किया तो सपोज करें ये रोटेट होकर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया रोटेशन के बाद, तो फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल एम का एंगल बना उसको थीटा टू बोला गया है, एम का बी के साथ जो एंगल बना वो थीटा टू है। थीटा वन इनिशियल स्टेज है और थीटा टू जब टॉर्क एक्ट करने के बाद जो वो फाइनल पोजिशन लेगा उसका एंगल है। सो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का बन चुका है, दिस वर्क इज इक्वल टू माइनस MB कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन, व्हेन थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा। क्या कंडीशन हुई, थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स इनिशियली अगर ये डायपोल मोमेंट इस तरह से प्लेस्ड हो बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो ये एम इस डायरेक्शन में, वी इस डायरेक्शन में, वी इस डायरेक्शन में और एम इस डायरेक्शन में, तो एंगल हुआ 90 डिग्री का। अगर वैसा केस हो तो थीटा वन की वैल्यू 90 डिग्री आप लोग डालें तो वर्क इज इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा टू की वैल्यू, थीटा टू इज थीटा माइनस कॉस थीटा वन इज 90। सो वर्क इज इक्वल टू माइनस MB कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस 90 तो जीरो होगा और अगर जीरो आपने पुट किया तो ये जीरो बन जाएगा ओवरऑल। सो दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके, दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सो वी आर टेकिंग W इज इक्वल टू MB कॉस थीटा, MB कॉस थीटा, ठीक है जी, MB कॉस थीटा। अब इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, केस वन, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यू विल बी इक्वल टू W माइनस माइनस MB कॉस 180, और कॉस 180 होता है माइनस वन के इक्वल, सो ये सारी वैल्यू बन जाएगी कॉस 180 माइनस वन के इक्वल, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम यू इज इक्वल टू MB विच इज मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल, ओके। और सेकेंड केस, केस टू, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सो यू विल बी इक्वल टू माइनस MB कॉस ऑफ 0, ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये है माइनस MB और थीटा के पॉइंट पर आप लोग 0 पुट करें तो ये बन गया यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ MB एंड कॉस 0 इज
वन, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज प्लस एम बी और ये है नेगेटिव एम बी, सो इट मीन्स मिनिमम पोटेंशियल. ओके, मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल और ये है मैक्सिमम पोटेंशियल. अब बातें अच्छे से सुनिएगा कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है. देखिए थीटा कौन सा एंगल है, एम और बी के बीच का एंगल. एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो इट मींस एंगल बिटवीन एम, एम देखिए ये है एम और बी का एंगल 180 डिग्री है. तो केस किस तरह से होगा आप लोग अगर देखेंगे तो मतलब क्या हुआ इसका, वो मैं डायग्राम पे भी आपको दिखाऊंगा और थ्योरेटिकल अगर आपको देखना होगा. इट मींस एम एंड बी आर एंटी पैरेलल. ओके, सो व्हेन एम एंड बी आर एंटी पैरेलल मैग्नेटिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम. एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, अगर ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सो साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी साउथ पोल. बी की डायरेक्शन देखिए इस तरफ और एम होगा इस तरफ, ये केस है. ओके, क्योंकि एम देखिए साउथ से नॉर्थ, एम की डायरेक्शन इस तरफ और बी की डायरेक्शन इस तरफ. एम की डायरेक्शन है इस तरफ और बी की डायरेक्शन है इस तरफ, तो एंगल इज 180 डिग्री. सो इट मींस व्हेन एम एंड बी आर एंटी पैरेलल देन पोटेंशियल विल बी वन मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू एम बी बिकॉज थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. लेकिन अगर ये हो आपका साउथ पोल और ये हो नॉर्थ पोल, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरफ, तो एम और बी एक तरफ, ठीक है, एम इस तरफ तो बी भी इसी तरफ, सो एंगल विल बी 0 डिग्री, देयर विल बी नो एंगल. सो इट मींस एम एंड बी आर पैरेलल. सो व्हेन एम एंड बी आर पैरेलल, so when m and b are parallel potential will be minimum. okay, so potential will be minimum. so I hope आप लोगों को potential का concept समझ आया होगा कि क्या है potential. simple आप लोग याद रखें कि potential क्या होता है, potential होता है work done. क्या है potential, work done, कितना work किया गया इस पे, उस dipole पे, कब, जब uniform magnetic field line में उसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया और वो मूव किया. थीटा वन और थीटा टू का कंसेप्ट जरूर आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ना समझ आए तो एक दो बार उसको रिपीट में सुनिएगा, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी तो आप लोग कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें. साइड बाई साइड बोर्ड पे 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर करने के अलावा या बोर्ड पर टॉप आने के अलावा आप लोग ये भी सोचें कि कंपिटिटिव एग्ज़ाम भी निकालने हैं. सो आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे. थैंक यू एंड गुड लक.